चलिए आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद जिसमें हम इन्हीं टर्म्स की जो है वो बात करेंगे, और फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वाले, और उसको फिर हम तकरीबन 10:30 तक कंटिन्यू रखेंगे। ओके, आपके पास एक पार्टिकल है विच इज दिस बैलून, एंड दिस बैलून इज मूविंग अलोंग अ कर्व पाथ एज शोन टू यू इन द फिगर। एट एनी इंस्टेंट द हॉरिजॉन्टल पोजिशन ऑफ दिस बैलून इज डिफाइंड बाई एक्स इक्वल टू ए टी। सो आपके पास किसी भी इंस्टेंट पे ये जो एक्स है ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे डिफाइन है, विच इज एक्स इक्वल टू ए टी। वेर एज आपके पास जो वाई है, विच इज दिस वाई, या पाथ फंक्शन जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे डिफाइन नहीं है, रादर वाई इज डिफाइंड टू यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, सो आपके पास एक बैलून है विच इज ट्रेवलिंग अलोंग दिस कर्व पाथ एज शोन टू यू फ्रॉम ए टू बी। एट एनी इंस्टेंट एक्स इज डिफाइंड टू यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेर एज वाई इज डिफाइंड टू यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स रादर देन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू डिटर्मिन द पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस बैलून आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड के बाद ये बैलून जो है वो किस पोजिशन पे होगा, क्या उसकी वेलोसिटी होगी और क्या इसकी एक्सेलरेशन होगी। यू नीड टू डिटर्मिन दीज 3 थिंग्स, मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करने हैं पोजिशन के भी, वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के भी। अब इसमें इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो सिंपल तरीका है, आसान तरीका है, जिसमें आप करते क्या है कि चूंकि आपको एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पर डिफाइन है, और आपने अगर फॉर्मूले देखे, इससे पहले जो हम फॉर्मूलों की बात कर रहे थे वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की, उसमें सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व थे, एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट, या एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट या जेड डबल डॉट। वो डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दे बेसिकली रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी हम डॉट की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर तो मैं वाई को भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लूं, तो फिर मेरे लिए एक्स डॉट वाई डॉट या एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट फाइंड करना आसान हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, जिसमें एक्स तो मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, अगर मैं वाई को भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लेता हूँ रादर देन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो मेरे लिए सॉल्व करना सवाल को आसान हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो मेथड भी मैं आपको यहाँ इसलिए करवाऊंगा कि उस मेथड को आपने आगे भी कहीं इस्तेमाल करना होगा। वो मेथड क्या है, जिसने अभी आप में से एक ने चेन रूल का वर्ड जो है वो यूज किया था, कि वाई आपको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के तौर पे अगर पता हो और मैं आपसे कहूं कि वाई डॉट फाइंड आउट करें विच इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज यू नीड टू डिटरमिन डी वाई बाई डी टी। तो उसके लिए आप करते क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी करते हैं, या चेन रूल जो है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई होप कि चेन रूल हर एक को थोड़ा बहुत याद है मैथमेटिक्स में, मैट्रिक एफएससी में जो आपने पढ़ा था। ठीक है, चेन रूल क्या होता है कि अगर आपके पास सपोज यहाँ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के तौर पे डिफाइन है, और आपसे मैं डी वाई बाई डी टी फाइंड करने के लिए कहूँ, तो इट इज गोइंग टू बी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो एक तरह से आपका डी एक्स डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा और फाइनल टर्म आपके पास डी वाई बाई डी टी बचेगी, लेकिन आप चूंकि वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के तौर पे है, तो आप पहले वाई को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह आप चेन रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके अभी हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे, आसान वाला भी जिसमें हम वाई को भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बना लें, और मुश्किल वाला भी जिसमें हम थोड़ा सा चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो यू हैव अ पार्टिकल विच इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग दिस कर्व पाथ, उसका एक्स और वाई आपको गिवन है, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू फाइंड आउट द पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ टाइम इंटरवल। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन की। सिंस एक्स इज गिवन टू अस एज अ फंक्शन ऑफ टी, तो आपके पास टी की वैल्यू, वो कंसर्न वैल्यू पुट कर लें विच इज 2 सेकेंड्स, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एक्स टू बी इक्वल टू 16 फीट। इसी तरह वाई आपके पास एज अ फंक्शन ऑफ एक्स के तौर पे डिफाइन था, ऑलरेडी आपने ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है टी इक्वल टू 2 पे, तो आप यही एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 25.6 फीट। सो ओवरऑल आपका 2 सेकंड के बाद जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी एक्स आई प्लस वाई जे विच इज 16 आई
प्लस 25.6 जे फोर्ट आ जाएगा। जहां तक ताल्लुक इसके मैग्नीट्यूड का है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप किसी भी वेक्टर के उसके कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट करेंगे, तो यहां आपके पास ये जो पोजीशन वेक्टर है 16i प्लस 25.6 जे, ये आपको मैग्नीट्यूड इसका 30.2 फुट मिल जाएगा। चूंकि ये 2D है, आपको वो यूनिट वेक्टर की जरूरत नहीं है। आप सिंपली, अगर मैं आपसे कहूँ इस पोजिशन वैक्टर आर जो आपका बन रहा है, विच इज बेसिकली दिस वैक्टर, इस पोजीशन वेक्टर आर की मैं बात करूं, इसको चूंकि 2D में फाइंड करना है, ये आप थीटा जो है वो फाइंड कर सकते हैं यूजिंग टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो टेन इनवर्स 25.6 ओवर 16 आप करेंगे तो आपको ये थीटा इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज मिल जाएगा, जो कि एक तरह से इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इस एंगल में एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफाइन कर रहा होगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो यूनिट वेक्टर भी यू आर की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं, विच इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। उससे आपको इसी डायरेक्शन में जो है वो एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, विच इज दिस वेक्टर यू आर। सो आई होप कि पोजीशन के हवाले से कोई किसी को डाउट नहीं होगा। जी, कोई पोजीशन के हवाले से कोई चीज जो आप चाहते हैं पूछना, यू कैन आस्क। ओके, सो पोजीशन अगर क्लियर है, इसमें हमने वो चेन, इसमें हमने वो सिंपल इस्तेमाल नहीं किया। अदरवाइज आप यहाँ ये भी कर सकते थे कि जिस तरह अभी हमने बात की थी कि वाई को भी मैं एक्स के बजाय टी का फंक्शन बना लूँ। वो कैसे बनाएंगे, वाई इज एक्स स्क्वायर ओवर टेन, सो एक्स को मैं 8t पुट कर दूँ, तो 8 8 64 t स्क्वायर डिवाइड बाई 10। सो यहाँ आपके पास y जो है वो भी t का फंक्शन बन जाएगा, और एट द इंस्टेंट व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो यहाँ आप जब t इक्वल टू 2 की वैल्यू डालेंगे तो आपकी आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज 25.6। सो इस तरीके से आप x और y फाइंड कर लें और उसको पोजीशन वेक्टर r में पुट कर दें, एक्स आई प्लस वाई जे, आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन आप डिटर्मिन कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू वेलोसिटी वेक्टर, जिस तरह अभी इससे पहले बात हुई थी, velocity vector is v vector equal to vxi plus vyj, where vx is equal to the first time derivative of x, that is x dot. इसी तरह vy is basically the first time derivative of y, that is y dot. अब y dot की जब हम बात करते हैं तो y dot is basically the derivative of y with respect to t. तो यहाँ आपको दो मेथड फिर हम डिस्कस करेंगे। वन इज कि मैं y को भी एज अ फंक्शन ऑफ t बना लूँ, जिस तरह मैंने यहाँ ऑलरेडी 64 t स्क्वायर ओवर 10 के तौर पे बनाया है, या मैं चेन रूल का इस्तेमाल कर लूँ। तो दोनों मेथड यहाँ एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एक्स डॉट, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंस एक्स इज डिफाइंड टू अस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको जब मैं एक दफा डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डी बाई डी टी 8t जो है उससे मुझे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मिल गया, दैट इज इक्वल टू 8 feet per second। सो आपके पास वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट आएगा, दैट इज 8 foot per second। जहां तक ताल्लुक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का है, तो पहले मैं मेथड नंबर 1 की बात करता हूं, जिसमें मैं y को भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे इस्तेमाल करता हूं। सो y मेरे पास x स्क्वायर ओवर 10 था, जब मैंने x की वैल्यू पुट की तो y मेरे पास 64 t स्क्वायर ओवर 10 आ जाएगा, यानी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैंने बना लिया y को भी। अब y डॉट क्या होता है, इट इज बेसिकली द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस 64 t स्क्वायर डिवाइड बाई 10 को मैं एक दफा दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, इट वुड कम्स आउट टू बी 128 t ओवर 10। पुटिंग द वैल्यू t इक्वल टू 2 वुड गिव मी द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू बी इक्वल टू 25.6 फुट पर सेकेंड। सो मेरे पास x कंपोनेंट आ गया 8 फुट पर सेकेंड, y कंपोनेंट आ गया 25.6 फुट पर सेकेंड। सो इन दोनों को मिला के ओवरऑल जो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू v वेक्टर इक्वल टू 8i प्लस 25.6 j फुट पर सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी वेक्टर। अब मेरे पास वेक्टर अगर आ गया, मैं इसको दोनों कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट लूँ, मुझे उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन के लिए मैं या यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दूं, या चूंकि टू डायमेंशन है तो मैं टेंजेंट थीटा की मदद से इस वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो निकाल सकता हूं। सो मेथड 1, आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को मेथड 1 में कोई डाउट? ओके, चूंकि खामोशी है इसका मतलब मेथड 1 आसान है। अब अगर मैं मेथड 2 पे आऊं, विच इज हाउ टू यूज दिस चेन रूल, जिस तरह अभी बात हुई थी, चूंकि आपके पास y जो है वो यहां डिफाइन है एज अ फंक्शन ऑफ x के तौर पे, रादर देन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो सिंस
y is defined to you as a function of x rather than as a function of time. So in order to find out y dot, you are going to use the chain rule. वो chain rule क्या होता है? जब हम y dot की बात करते हैं, तो by definition this dot represents the first time derivative, which is dy by dt. और by chain rule, since y is a function of x, तो आप chain rule का इस्तेमाल करते हैं, which is dy by dx into dx by dt. अब dy by dx क्या हो जाएगा? आपके पास y जो है, वो x square over 10 है. So जब आप y को differentiate करेंगे with respect to x, it would become 2x over 10. So आपके पास ये जो dy by dx है, ये आपके पास 2x over 10 आ जाएगा. जहां तक ताल्लुक इस dx by dt का है, तो ये आपके पास already हमने define किया है कि it represents x dot. तो overall आपके पास जो y component of velocity आएगा, that is equal to 1 over 5 x into x dot. आपने इस इंस्टेंट पे x की वैल्यू भी फाइंड की हुई है, which is 16. x dot की वैल्यू भी आपने फाइंड की है, which is 8. तो आपने फिर इस इंस्टेंट के लिए x और x dot की वैल्यूज पुट कर दी, 16 and 8. आपको उससे भी वही vy की वैल्यू मिली जो कि आपको ऑलरेडी इस पर्टिकुलर चेन रूल से पहले मिली थी, 25.6. सो इन द एंड आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर बना, दैट वुड बी इक्वल टू 8i प्लस 25.6j, जिसके बाद आप अगर चाहें तो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं. वेक्टर मिल गया आपको, आप चाहें तो उसका डायरेक्शन भी 2D में थीटा की मदद से फाइंड कर लें, व्हिच इज थीटा इज टेन इनवर्स vy / vx, या आप चाहें तो उसको यूनिट वेक्टर की मदद से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि इस v वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें, आपको यूनिट वेक्टर uv मिल जाएगा, जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफाइन कर रहा होगा. सो आई होप के दिस चेन रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. किसी को कोई पॉइंट ना समझ आया हो तो पूछ सकते हैं. क्लियर है? यस सर. ओके, दैट्स फाइन. ओके, अब आपने जो एक चीज जहन में रखनी है, वो चूंकि हम अगली स्लाइड में मूव कर जाएंगे, एक चीज जो आपने जहन में रखनी है वो क्या, कि जब आपने चेन रूल का इस्तेमाल किया था, तो आपके पास जो वी वाई की वैल्यू आई थी, वो बेसिकली ये वैल्यू थी जिसको हम आगे एक्सेलरेशन में इस्तेमाल करेंगे. क्या आया था? वी वाई इज 1/5 एक्स इंटू एक्स डॉट. इसको प्रोबेबली जब हम अगले उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, तो आपको इस टर्म की जरूरत पड़ सकती है. ओके, नाउ कमिंग टू द एक्सेलरेशन टर्म. एक्सेलरेशन अगेन, जब हम अभी रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहे थे, तो द एक्सेलरेशन वेक्टर ए इज इक्वल टू डी वी वैक्टर डिवाइड बाई डी टी. और इन अदर वर्ड्स, आपके पास एक्सेलरेशन वेक्टर जो था, दैट वॉज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, वेयर ए एक्स ए वाई एंड ए जी वर बेसिकली द सेकेंड टाइम डेरिवेटिव एक्स वाई एंड जी, दैट इज एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट एंड जेड डबल डॉट. इन अदर वर्ड्स, ए वैक्टर इज x double dot i plus y double dot j plus z double dot k. यहाँ चूंकि दो डायमेंशन है, z कोऑर्डिनेट या z एक्सिस इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके पास अकॉर्डिंगली जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू x double dot i plus y double dot j. अब अगर मैं x double dot की बात करूं, पिछली स्लाइड अगर हम उस पर जाएं, x dot was द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए टी विच वॉज अ कॉन्स्टेंट थिंग. सो जब एक्स डॉट आपके पास कॉन्स्टेंट आ गया, तो एक्स डबल डॉट क्या होना चाहिए? किसी कॉन्स्टेंट को आप डिफ्रेंशिएट करें, क्या आता है आपके पास? जीरो. सो आपके पास एक्सेलरेशन का यहाँ एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो नहीं आएगा. ए एक्स इज बेसिकली इक्वल टू जीरो. सिंस एक्स डॉट वॉज अ कॉन्स्टेंट थिंग, नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, देयरफॉर एक्स डबल डॉट इज गोइंग टू बी जीरो. सो आई होप कि एक्स डॉट तमाम लोगों को क्लियर है, यानी एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो आपका इस केस में जीरो आ रहा है, बिकॉज द ओरिजिनल एक्स फंक्शन जो था वो सिंपल 8t था. तो उसको एक दफा डिफ्रेंशिएट किया आपने, 8 रह गया वेलोसिटी के लिए, एक और दफा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा. यहीं अगर आपके पास जो एक्सेलरेशन, जो आपके पास ओरिजिनल एक्स होता, वो 8t के बजाय सपोज 8t क्यूब होता, तो फिर आपके पास जाहिर है एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ जाना था, बिकॉज 8t क्यूब को जब आप एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे, तो 8t क्यूब मींस 83 दैट 24t स्क्वायर आपके पास वेलोसिटी आता, और 48t आपके पास एक्सेलरेशन आ जाना था. लेकिन यहां चूंकि x वाज इक्वल टू 8t, उसको आप जब दो दफा डिफरेंशिएट करेंगे, तो यू आर गोइंग टू गेट जीरो. दैट्स व्हाई द x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस केस इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो. ओके, जहां तक ताल्लुक
y component of acceleration क्या है, which is y double dot or the second derivative of y with respect to time. So अभी हमने जब पिछली slide पे बात की थी, अगर हम method number one पे जाएं, तो आपके पास dy by dt आया था 128 t over 10. It means कि मैं इसको एक दफा और differentiate कर दूं, तो मेरे पास जो है वो acceleration का y component आ जाएगा. So 128 t over 10 को जब मैं differentiate करूंगा, तो it is going to be 128 over 10 और 12.8 आपके पास y component आ जाएगा. So x component 0 है, y component 12.8 आया है. So overall आपके पास जो acceleration vector आएगा, that is going to be equal to 12.8 j. In other words, at this instant, you are going to have one component of acceleration which is going to be towards the y-axis. ये तो आपके पास acceleration का हमने method 1 इस्तेमाल किया था, जिसमें y आपको as a function of t के तौर पे ही use कर रहे थे. अगर आप मेथड टू, जिसको हम चेन रूल कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें, तो अभी पिछली स्लाइड पे अगर आपको याद हो, हमने कहा था डी, यानी हमारे पास वाई डॉट आया था इस चीज के बराबर, 1/5 एक्स इंटू एक्स डॉट के बराबर. इसमें ये 1/5 या 2/10 जो है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, इसको मैं एक दफा दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँ, कॉन्स्टेंट को मैं बाहर ले जाता हूँ, तो 2/10 आपके पास बाहर आ गया, एक्स एंड एक्स डॉट बचे. अब आपके पास x भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, x डॉट भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे हो सकता है. तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. प्रोडक्ट रूल क्या है कि एक दफा x को कांस्टेंट, x डॉट का डेरिवेटिव, दूसरी दफा x डॉट को कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव. सो आपने प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया, x कांस्टेंट, x डेरिवेटिव x डॉट हो जाएगा. सेकेंड टर्म में आपने x डॉट को कांस्टेंट रखा, x का डेरिवेटिव जो है वो x डॉट हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली आपने प्रोडक्ट रूल की मदद से इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट कर लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब आपको पता है कि x डॉट, x डबल डॉट जो है वो यहाँ फाइंड कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू जीरो. सो आपकी ये वाली टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी बिकॉज ऑफ x डबल डॉट. x डॉट की वैल्यू आपने फाइंड की है, विच इज 8. तो यहाँ से भी आपको ए वाई की जो वैल्यू मिलेगी यूजिंग द चेन रूल, आपको 12.8 फुट पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलेगी. तो बेशक आप मेथड वन इस्तेमाल कर लें, जो कि इजियर मेथड है, जिसमें आपने वाई को फंक्शन ऑफ टाइम बना लिया है, या मेथड टू इस्तेमाल कर लें, जो कि चेन रूल का इस्तेमाल बताता है, दोनों मेथड से आपको सेम ए वाई की वैल्यू मिलेगी. दोनों रूल्स बताने की वजह क्या है कि यहाँ सिंपली हम इसको मेथड वन से भी सॉल्व करा सकते थे, लेकिन चूंकि कुछ प्रॉब्लम है, अभी जब हम आगे जाएंगे, आपको ये चेन रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि बेहतर है आपको यहीं इस प्रोडक्ट रूल को जो है वो थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया जाए, ताकि बाद में किसी प्रॉब्लम में जब इसका इस्तेमाल आता है, तो आपको मुश्किल जो है वो पेश ना आए. सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो